आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पटना में एनडीए की बड़ी रैली, मोदी बोले विपक्ष में चौकीदार को गाली देने का कंपटीशन। हंदवाड़ा एनकाउंटर में 5 जवान शहीद, 2 आतंकवादी भी मारे गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय को चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, बीजेपी ने कहा दिग्विजय पाक परस्त। देश में छत्तीसगढ़ में शराब की सबसे ज्यादा खपत, महिलाएं शराब के खिलाफ लठ लेकर तैयार। और कांग्रेस को उम्मीद, मध्य प्रदेश में जीतेंगे लोकसभा की सभी 29 सीटें। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौकीदार को गाली देने का कंपटीशन चल रहा है। आपका यह चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है, सुरक्षा चाहे गरीब की हो या देश की। देश पर बुरी नजर रखने वालों के सामने आपका यह चौकीदार और एनडीए गठबंधन दीवार बनकर खड़ा रहेगा। मोदी पटना के गांधी मैदान में एनडीए की रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा यह नियत नियत का फर्क है, मैं देश को आगे बढ़ने में लगा हूं और वो मुझे विकास के रास्ते से हटाना चाहते हैं। वो कहते हैं आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ मिलकर आतंकवाद को खत्म करें। वोट लेकर भूल जाने वालों को अब देश पहचान गया है। परिवार की राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। अब भारत अपने वीर जवानों के बलिदान पर चुप नहीं बैठता है, चुन चुन कर बदला लेता है। मोदी ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो देश में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। 2 अक्टूबर तक सिद्धि हासिल करने की जो घोषणा की है, मैं आदर पूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं और बिहार की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से होने वाली है, साथ में पटना के लोगों को अब पाइप के माध्यम से सस्ती और अच्छी गैस भी मिलने लगेगी। पीएम मोदी ने कहा हमारे देश के कुछ लोगों की बातों पर पाकिस्तान में लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, क्या पाकिस्तान में ताली बजे ऐसा पाप करना चाहिए? ये लोग हमारे वीर जवानों के पराक्रम पर संदेह कर रहे हैं, पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है। महामिलावट के घटक अपने लिए जीते हैं, उनको देश की परवाह नहीं है। जब देश की सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, ऐसे समय में देश के अंदर कुछ लोग देश की आवाज को सेना के हौसलों को पस्त करने में लगे हुए हैं। पटना में पहली बार प्रधानमंत्री के साथ 3 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच साझा किए। इनमें जदयू प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री पशुपति कुमार पारस समेत अन्य 32 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। हंदवाड़ा के बाबा गुंडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार से चल रही मुठभेड़ तीसरे दिन भी जारी रही। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। 2 आतंकवादियों के मारे जाने के भी समाचार आए हैं। जानकारी के अनुसार आतंकी अभी भी रुक रुक कर गोलाबारी कर रहे हैं। इस दौरान सीआरपीएफ के एक सहायक कमांडेंट समेत 8 अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। क्रॉस फायरिंग की चपेट में आया एक नागरिक भी मरने की खबर आई है। इस दौरान आतंकी समर्थक तत्वों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 7 लोग जख्मी हुए हैं। प्रशासन ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट बंद करने के साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी है। शहीद सुरक्षाकर्मियों में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटो और
कांस्टेबल विनोद के अलावा राज्य पुलिस के दो कर्मी नसीर अहमद और मुस्तफा शामिल हैं। क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर मारे गए नागरिक की पहचान वसीम अहमद मीर के रूप में हुई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आतंकियों को कई बार सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बेतुके बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने को कहा है। वहीं विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को बीजेपी ने पाक परस्त करार दिया है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के फैसले को दिग्विजय ने पाकिस्तान का सौहार्दपूर्ण कदम बताया है और पीस गेस्चर के तौर पर पाक प्रधानमंत्री को आतंक के आका मसूद अजहर और आफिज सहिद को सौंपने की सलाह दी है। दिग्विजय ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के हमले पर सवाल खड़े नहीं कर रहा। हम तकनीकी दौर में रह रहे हैं, खुले में की गई किसी कार्यवाही की तस्वीरें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मिल सकती है, लिहाजा सरकार को सबूत देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने भी लादेन को मारने का सबूत दुनिया के सामने पेश किया था। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने बहुत ही सद्भाव दिखाया है और मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बहुत ही रिश्ते कटु हो गए थे, उस बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे पायलट को वापस किया है वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। दिग्विजय ने इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को पाक परस्त करार दिया है। वहीं कांग्रेस के एक गुट ने दिग्विजय सिंह के इस बयान का वीडियो राहुल गांधी को भेजा है। कांग्रेस के एक जुट का मानना है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। सेना ने उनके आतंकियों के जो कैंप है जो पाकिस्तान कश्मीर में उनको ध्वस्त कर दिया। जब इतने बड़े सेना के प्रमुख कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर रहे तो उससे बड़ा क्या प्रमुख। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर राजनीति जारी है। इसी बीच नेशनल एक्साइज की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ में शराब की खपत सबसे ज्यादा है। यहाँ एक बड़ी आबादी शराब के नशे के गिरफ्त में है। आदिवासी बाहुल्य राज्य होने की वजह से यहाँ शराब पर सख्त पाबंदी लागू करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन शराब की बुराई से समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। नेशनल एक्साइज की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है। ऐसी ही एक मुहिम राज्य में महिलाओं ने शराब के खिलाफ चलाई है। मुंगेली जिले से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं किसी कमांडो फोर्स की तरह शराब की भट्टियों में सर्जिकल स्ट्राइक करती दिखाई दे रही हैं और वहां से शराबियों को खदेड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में शराब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राज्य में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन बाद में सरकार ने शराब की बिक्री से ठेका पद्धति को हटाकर इसकी बिक्री की कमान अपने हाथ में ले ली थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। नई सरकार बनने के बाद शराब बिक्री की पुरानी ठेका पद्धति को फिर से लागू कर दिया गया। अब कांग्रेस सरकार का अभिमत है कि राज्य में एक झटके में शराबबंदी नहीं की जा सकती। सरकार की शराबबंदी को लेकर ठुलमुल नीति के बीच राज्य के कई शहरों और गांव में महिलाएं टीम बनाकर खड़ी हो गई हैं। ये महिलाएं शाम के वक्त शराब भट्टियों में धावा बोलती हैं और वहां से शराबियों को खदेड़ती हैं। राज्य में शराबबंदी की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन बड़े राजस्व को देखते हुए सरकारें इसे लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही हैं। ऐसे में महिलाओं ने शराब के सामाजिक दुष्परिणाम को दूर करने के लिए मुहिम शुरू की। शराबबंदी के लिए सबसे पहले मुंगेली जिले में तत्कालीन एसपी नीतू कमल ने महिला रक्षा कमांडो टीम का गठन किया था। अब इन महिलाओं के लिए शराबियों को शराब भट्टी से खदेड़ना रोजाना का जरूरी काम बन गया है। यह महिलाएं लाल साड़ी पहने स्वफूर्ति लाठी डंडे से लैस होकर शाम के वक्त घर से निकलती हैं और शराब दुकान के आसपास जमे शराबियों को वहां से खदेड़ती हैं। महिलाओं की इस
टीम का खौफ यहां शराबियों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि सड़क पर शराब दुकान होने की वजह से शाम होते ही यहां शराबियों का मेला लग जाता है। शराबी पतियों से भी महिलाएं परेशान हैं और वे चाहती हैं कि समाज से शराब की बुराई पूरी तरह से खत्म हो जाए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जिस तरह से महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है और शराबियों की श्यामत आ गई है, अगर ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में हो जाए तो तत्काल शराबबंदी संभव हो सकती है। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि 29 में से 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। पीसी शर्मा भले ही ये बात कह रहे हों, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्थितियां क्या हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो प्रेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होना है। अभी 29 में से 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आए। उनका मानना है कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा, जो हमने कहा है हम वो करके दिखाएंगे और 29 में से 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारी सरकार सभी वचनों को पूरा कर रही है। सीएम कमलनाथ की अगुवाई में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जीतने वाला कैंडिडेट 29 की 29 सीट जीतने वाले हम लोग, तो जो जीतने वाले होंगे उनको टिकट दी जाएगी। वचन पत्र में जो बातें कही थी मुख्यमंत्री जी, उसमें 52 दिनों में 26 बातें पूरी कर दी है। किसान का कर्जा, बच्चों की शादी के लिए 51,000, युवाओं के लिए 4,000, वृद्धा पेंशन 300 से 600 कर दिया, 1,000 हो जाएगी। बिजली बिल 100 रुपये 100 यूनिट, किसानों का बिजली बिल हाफ, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर हर एक वर्ग वोट देगा। किसान देगा, युवा देगा, कर्मचारी का 2% डी है। तो जब हर वर्ग की बात हो गई और हर वर्ग वोट देगा तो 29 में 29 आएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर से युवा संकल्प रैली की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भोपाल में विजय संकल्प बाइक रैली की शुरुआत की, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, बाबूलाल गौर और महापौर आलोक शर्मा, सांसद आलोक संजर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये संकल्प रैली आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सफलता के 5 सालों का बखान किया, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी तारीफ की और वंदे मातरम को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार घेर दी। लेकिन कांग्रेस का जो कृत्य तो है पूरे देश भर में, और जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व तो राष्ट्रीय सवालों को भी अपने राजनीतिक हितों के लिए उपयोग कर रहा है, इसके कारण अगर कांग्रेस के लोगों में सद्बुद्धि आ रही है कि वो मुर्दाबाद बोल रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ ये अच्छा ही है। लाल घाटी में शुरू हुई वाहन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लौह पुरुष हैं, उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और आतंकवादियों को उन्हीं की जमीन पर बमबारी करके सबक सिखाया। जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं और जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं देश के अंदर, विजय रैली के द्वारा ये संकल्प ले रहे हैं हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के, कि हम आप देश के अंदर जो संसद का चुनाव 2020 में होगा उसमें एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी बने। वो एक लौह पुरुष है जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए आतंकवादियों को, और उन्होंने एक प्रकार से उनकी जमीन पर उन्हीं के क्षेत्र के अंदर जाकर बमबाट करके उनकी खंडकों को देश नाबूद कर दिया। ग्वालियर का प्राचीन कोटेश्वर शिव मंदिर भक्तों के लिए बहुत खास मायने रखता है। ये मंदिर अपनी बनावट के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए भी होती है कि यहाँ की प्रतिमा को औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी और औरंगजेब और उनकी सेना इस शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए। कोटेश्वर महाराज का मंदिर ग्वालियर अंचल में आस्था का बड़ा केंद्र है। मंदिर में जो शिवलिंग है वो दिव्य है और सदियों पुरानी है। 17वीं शताब्दी के मुगल शासक औरंगजेब ने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया और उसे जेल में तब्दील कर दिया। दुर्ग पर एक शिव मंदिर था जिसमें बीचों बीच शिवलिंग स्थापित था। तोमर राजवंश के शासक उसकी पूजा करते थे। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा और शिवलिंग को किले की दीवार से नीचे फेंक दिया। बताया जाता है कि औरंगजेब के इस हमले के दौरान नाग देवता मंदिर में आ गए और नागों के डर से औरंगजेब के सैनिक मंदिर को तहस नहस कर शिवलिंग को किले से नीचे फेंक वापस चले गए। शिवलिंग शताब्दियों तक किले की तलहटी में मलबे के नीचे दबी रही। संत देव महाराज को स्वप्न में नागों के द्वारा रक्षित मूर्ति के दर्शन हुए। महंत देव महाराज के अनुरोध पर जयाजी राव सिंधिया ने किला तलहटी में पड़े मलबे को हटाकर प्रतिमा को निकाला और मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति की पुनर्प्रतिष्ठा करवाई गई। इसी दौरान मंदिर की दीवारों व छत पर शिव की महिमा बताते हुए कई चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र सदियों से जीवंत बने हुए हैं और भगवान शिव की गाथा का वर्णन करते हैं। किले की कोट में शिवलिंग मिलने के कारण शिवलिंग को कोटेश्वर महादेव कहा गया। मंदिर का नाम कोटेश्वर मंदिर रखा गया। जबलपुर में चाकुओं से हत्या करने के बीते 3 दिन में तीसरी वारदात सामने आई है। गुंडों ने एक दिव्यांग युवक और उसके साथियों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना जबलपुर के हनुमान ताल जिन्ना मोहल्ले की है। बीते 3 दिनों में चाकुओं से हत्या की यह तीसरी वारदात है। यह इस तरह की तीसरी वारदात है जब चाकुओं से गोद कर किसी शख्स की हत्या कर दी गई। कुछ बदमाशों ने दिव्यांग विक्की चौधरी को घेर कर उनका कत्ल किया। इस वारदात में उनके साथी सोनू और बादल गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समीर नाम का लड़का जिन्ना मोहल्ले में से जा रहा था तो वहाँ मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे देखा कि नया चेहरा है, तुम यहाँ कैसे आए। इसी बात पर उसको रोक के कुछ फोटो वोटो कर लिया और उसके बाद उनके घर वालों से बातचीत हुई तो वो चला गया। इसके उपरांत फिर वो अपने साथियों के साथ आया और ये 3 बच्चों को मारा उन्होंने। तो इसमें से चाकूबाजी की तो उसमें से एक विक्की जो है, विक्की सन ऑफ लखन चौधरी, ये करीब 22 वर्ष का है, इसकी डेथ हो गई। ये जन्म से अंधा है वैसे बोल रूप से। और 2 जो हैं बादल और सोनू ये घायल हैं तो इनको अभी भर्ती किया है इलाज के लिए और अब हम इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुंडा समीर शादी समारोह खत्म होने के बाद अपने साथियों के साथ घर जा रहा था, तभी विक्की और उसके साथियों का किसी बात को लेकर उससे विवाद हो गया जिसके चलते कुछ ही समय में समीर और उसके साथियों ने दिव्यांग विक्की और उसके दोस्तों पर चाकुओं से प्राणघातक हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर बहुत से फिल्म स्टार विज्ञापन में आपको ये संदेश देते कई बार नजर आए होंगे कि पशुओं को बचाओ, शाकाहार अपनाओ, लेकिन असली स्टार तो जबलपुर का गोटिया परिवार है जिन्होंने अपने बकरे व बकरी परिवार के सदस्य की तरह पाले हैं। इतना ही नहीं, हर साल उनका जन्मदिन भी ये परिवार पूरे जश्न और धूमधाम के साथ मनाता है। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि माथे पर तिलक लगाकर, गले में खूबसूरत घंटी पहनकर इस बकरे की पूजा कर आज इस बकरे की बलि की तैयारी की जा रही है। हर बार की तरह यह बकरा आज बलि चढ़ जाएगा। माना जाता है कि बकरे को इसलिए खिलाया पिलाया जाता है कि एक दिन उसकी बलि चढ़ाई जा सके, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आज यह बकरा कटेगा नहीं, आज यह बकरा
केक काटेगा। ये बकरा बलि के लिए जन्म नहीं लिया, आज ये बकरा अपना जन्मदिन मनाएगा। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे अपने परिवार के सभी पशुओं का जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे। जानवर में अपने बच्चे जैसे रखे, हमारे बच्चे हमने बहुत खुशी वाले बच्चे देते जन्मदिन में। आपके दिन हमारे एक जानवर के दो हमने बहुत खुशी वाले मनाते हैं सबके। के द्वारा दिया गया, जहाँ पर इंसान इंसान से प्यार नहीं कर पा रहा है, एक मात्र शक्ति माता ने एक जानवर को, जो बकरियों के बच्चे हैं, तीन बकरियों के बच्चों को एक बच्चों की तरह पालन पोषण किया। और ये प्रेरणा स्रोत इस माता के द्वारा दिया गया। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह, जिस तरीके से एक माँ ने बच्चे की तरह ये जानवर पाला है, इसी तरह इंसान इंसान से भी प्यार करते हुए ये प्रेरणा स्रोत संदेश आगे तक पहुँचा। बकरे की दावतें उड़ाते आपने लोग देखे होंगे, मगर बकरे के जन्मदिन में शरीक होकर उसकी दावत खाने की यह तस्वीरें पहली बार आप देख रहे होंगे। यकीनन इन हलवाइयों ने भी पहली बार ही किसी बकरे के जन्मदिन का खाना बनाया होगा, और यहाँ जन्मदिन में शामिल लोग भी दावत के लजीज खाने का खूब मजा ले रहे हैं। इस दावत में लगभग 250 लोग शामिल हुए। सभी का कहना है कि यह एक मिसाल है और सभी को पशुओं से प्रेम करना चाहिए। आपको ये किस प्रकार से आपके मन में आया कि आगे बकरे? अब ये बचपन से याद है कि जैसे बच्चों का मतलब अपन करते हैं, तो ये जन्मदिन मनाने के आपके मन में कैसे? अब बच्चों जैसे पाले हैं तो इसलिए कि बच्चों जैसे हमारी खुशी मिलती होगी। आप लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश है कि मतलब बच्चों जैसे जानवरों को भी ऐसा किया जाए। यह खबर समाज को एक बड़ा संदेश दे रही है। भले ही बड़े मंचों से पशुओं को बचाने के कितने भी संदेश दिए जाते हों, मगर सच यही है कि जब तक लोग दिल से इन्हें नहीं अपनाएंगे, तब तक इन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। ये कहानी थी एक बकरी के बर्थडे पार्टी की और जानवरों से प्रेम को पैदा करने वाली इस खबर के बाद। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे आरोपी को दबोचा है जो खुद को उरी फिल्म के मेजर विहान सिंह के तौर पर सेना का अफसर बताकर लोगों को सामान दिलाने के बहाने ठगी का काम करता था, जिसके खिलाफ पहले से ही एफआईआर
दर्ज थी, लेकिन हाल ही में एक डॉक्टर ने इसकी कंप्लेंट की और इस फर्जी मेजर का खुलासा हुआ। खुद को मेजर बताने वाले आरोपी का असली नाम शुभम कांत चतुर्वेदी है, जो दुनिया के सामने खुद को उरी फिल्म के मेजर विहान सिंह के तौर पर लोगों के सामने पेश करता था। इसी बात का झांसा देकर उसने कई लड़कियों को अपनी झूठी शान और शौकत के दम पर ठगा है। इसमें डॉक्टर इंजीनियर तक शामिल है। अरविंदो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को फर्जी मेजर ने सेना की कैंटीन से सस्ती बुलेट दिलाने के नाम पर ठगा था। इसी डॉक्टर ने फर्जी मेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच इसकी तलाश कर रही थी, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सेना की कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने के नाम पर फर्जी मेजर ने दो दर्जन से ज्यादा लोगों को ठगा है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस उन लड़कियों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसे उसने उरी फिल्म का हवाला देकर दोस्ती गांठी थी। बॉक्स ऑफिस के लिए टिकट खिड़की पर कॉमेडी तड़का फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इंद्र कुमार की टोटल धमाल के बाद कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर लुका छुपी ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बहुत बेहतर शुरुआत की है। फिल्म ने कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक लुका छुपी कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। लुका छुपी ने शुक्रवार को भारतीय बाजार में 8.1 करोड़ की कमाई की। ट्रेड एक्सपर्ट ने पहले दिन लुका छुपी की 5 करोड़ रुपए तक की कमाई की संभावना जताई थी। तरण आदर्श के मुताबिक पहले दिन फिल्म की कमाई सरप्राइज की तरह रही। पहले दिन की कमाई के मामले में लुका छुपी ने राजी, स्त्री और बधाइयों को पीछे छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि अच्छे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म का वीकेंड कलेक्शन बहुत शानदार रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लेकिन हम छोड़ जा रहे हैं आपके लिए जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, मैं हूँ जर्जर भोपाली और वेलकम कर रहा हूँ आपको भैरन समाचार में। आज तो समाचार वाकई भैरंट है, बता रहा हूँ। हमारे देश का है ना शेर आ गया है, अभिनंदन। पूरा देश है ना जोश में है, जुनून में है। पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, बता रहा हूँ। यह तो मज़ा आ रही है, बता रहा हूँ। और मेरे को कल है ना इमरान खान का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा हमने है ना 2 बजे भेज रहे हैं वहाँ पे बाघा बॉर्डर पे। तो हमें ना सुबह से जाके 12 बजे आके भेट गए वहाँ पे बाघा बॉर्डर पे, देखते रहे, आँखें टकटकी लगाए उधर अटारी पे, और वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने कहा आ रहे होंगे, और मैं वेट करता रहा 2 बजे तक। 2 बजे तक नहीं आए, और मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने कहा ये तो इनकी बात है, कुत्तों की लातें, इनका क्या भरोसा पाकिस्तान का, क्या बोले हैं क्या करें। तो मैं फिर वापस लौट के ना घर पर आ गया, बता रहे हो। फिर खाना वाना खाया मैंने, मैंने कहा अब देखता हूँ। टीवी खोला तो उसमें हम बताया कि 4 बजे आ रहे हैं। 4 बजे से मैं बैठ गया टीवी के सामने, आ रहे हैं। और टीवी की एंकर है तो भैया ये तो गला फाड़े दे रही थी, कले या बाहर निकाल दे रही थी। ये देशभक्ति तो इनमें ही है सबसे ज़्यादा, बता रही हूँ। ये हम लोग में देशभक्ति नहीं है क्या? ये देशभक्ति का मतलब ये थोड़ी है गला फाड़ो। अरे इमोशंस कंट्रोल करना चाहिए ऐसे टाइम पे। हाँ, वो मैं बैठा रहा, अभी आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, 5:30 बजे आएंगे, और मैं बैठा रहा टीवी के सामने, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये खबर आई, बोले वो मीटिंग रिट्रीट होगी, उसके बाद भेजेंगे वो। हमने तो अभी मीटिंग रिट्रीट वेलकम में है ना, हमने रद्द कर दी थी। तो मैंने कहा ठीक है भेजेंगे। वो भैया इस बीच में चैनलों के एंकर हैं तो ऐसा कर रही थी, वो एक ने तो मेरा ये स्क्रीन फाड़ गया टीवी का, मेरा गला पकड़ लिया, और बोले कि अभिनंदन हमारे टीवी पर पहले आए थे, सबसे पहले यही बोल रहा है, वो मेरी ढेंडी पकड़ ली। अरे मैंने कहा ये बोलूँगा। ऐसे ही है ना, ये पाकिस्तानियों ने क्या है अभिनंदन जी को है ना गलत वीडियो बनवाया, कट कर करके झूठ बोलवा के वो वीडियो ने चल लिया है, उसको देखना मत, बता रहा हूँ। हाँ ये तो चल लिया है। तो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बैठा रहा टीवी पे, वो बता 9:21 पे आए वो, ये तो चल लिया है। और जो ऐसे ही वो आए भैया शेर की तरह, शेर नहीं आता, उनकी तस्वीरें देखी, पूरा देश में ऐसा जोश फैल गया। और मैंने अभी अपनी मूछें ऐसे खल ली उनके बाद, मेरे अंदर भी है ना जोश आ गया, बता रहा हूँ। हाँ, और इमरान खान का फ़ोन आया मेरे पास, बोले भैया जर्जर भाई तुमसे बात हुई थी, तुमने बचा लिया यार। बोले अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया आज, और नहीं तो एक दिन और रोक लेते हमारे। जो मैंने हमने वेलकम देखा उनका, हिंदुस्तान का जोश देखा, वो अकेला आदमी पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देता, ये नामो निशान मिटाया था, ऐसा गुस्सा था लोगों में, बता रहा हूँ। हाँ, तो इमरान खान का ये कह रहे थे हमसे, बता रहा हूँ। लेकिन बता रहा हूँ ये कुत्तों की बातें हैं ना, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बता रहा हूँ। हुआ क्या, जैसे ही वो आए वेलकम, इधर वेलकम हो रहा था, उधर सीमा पे गोलीबारी शुरू कर दी। ये तो बातें हैं, कुत्ते की पूछे ना 12 साल में इतनी टेढ़ी निकलती है, बता रहा हूँ। हमारे 5 जवान मर गए,
उम्मीदवार ने पूरा दिमाग खराब हो रहा है। वही इस पे इस मुद्दे पे ना पॉलिटिक वॉलिटिक अच्छी नहीं लगती है, छोड़ भाई ये नेता है ना शुरू हो जाते हैं हैं, ये वोट मांगने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे देश की बात है, गौरव की बात है, ये आपकी पार्टी का भी होता कोई प्रधानमंत्री वो नहीं करता क्या, ये अपने देश की रक्षा नहीं करता, ये कोई बुरी बात है क्या? हाँ बता रहा हूँ, और मेरा भेजा बहुत ख़राब हो रहा है बता रहा हूँ इस बात को लेके। हाँ ये देश के समय एक हो जाना चाहिए, पूरे देश को ऊँचे ऐसी कर लेना चाहिए, बता रहा हूँ। हाँ ये देश की बात है, गौरव की बात है। तो भैया ये चल रहा है, पूरा देश जोश में है, मैं भी जोश में हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।